हेलो मेरे निजी निमित बीपीएससी चयनित शिक्षक छात्र शिक्षा जगत से जुड़े तमाम प्रकार के अधिकारी और भावों को अभिनंदन। टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। खबरें 1 अक्टूबर 2024 की सभी ताज़ा अपडेट के साथ मैं परजेंस हूं और सभी शिक्षक साथी समेत अभिभावक समेत सबको एक बार पुनः गुड मॉर्निंग। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। आपको बताते चले सबसे पहले वेतन स्थिति के बारे में। जी हां, आज से वेतन स्थिति आपकी लाइन में आई। तो क्या है पोजीशन और क्या स्थिति? तो सबसे पहले बता दें कि बीपीएससी शिक्षक साथी की वेतन भुगतान की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। जी हां, और दूसरी ओर जीओबी शिक्षक साथी की भी वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या है एसएससी शिक्षक साथी की जिलावार अपडेट्स? तो आपको बताते चले फ्रेंड्स कि अररिया, अरवल, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, कैमूर, खगड़िया, इन तमाम समेत सभी जिलों में गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, बक्सर, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर और मधुबनी, जी हाँ फ्रेंड्स, मधेपुरा, मुंगेर जिला, मुजफ्फरपुर जिला, इन सभी जिलों में अनुपस्थिति विवरणी ऑलरेडी रेडी है। और साथ ही साथ जहाँ अभी आपका अनुपस्थिति विवरणी को लेकर सस्पेंस बरकरार है, उसमें जो अपडेट्स आ रहे हैं रोहतास, लखीसराय और वैशाली। जी हाँ फ्रेंड्स, और आपको बताते चले फ्रेंड्स कि उम्मीद और आशा करिए कि शिवहर, शेखपुरा, समस्तीपुर, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, ये सभी जिला का अनुपस्थिति विवरणी आज संभवतः सबका कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ जिलों से जो अपडेट आई है अनुपस्थित विवरणी को लेकर के, तो मैंने यहाँ अपडेट कराया है और आपको बता दें कि जिला व राशि शो कर रही है और जिला में वेतन भुगतान की प्रक्रिया आज से ही डीपीओडीओ साहब अपना सकते हैं, कैन बी। अब लापरवाही की जो सीमाएं पार करेंगे वे दशहरा पूजा भी पार कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कल या परसों तक वेतन भुगतान की प्रक्रिया जो बिहार के सभी 38 जिला में लगभग 50% की सीमाएं पार कर जानी चाहिए। जो दिशा निर्देश मिला है, मिला तो है 100% का, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग जिस तरह से जो मेढक की चाल चलता है, वे पता नहीं चल पाता है कि कब कितनी स्पीड पकड़े और कितनी रफ्तार को कब कर ले। लेकिन वेतन भुगतान की प्रक्रिया के लिए हरी झंडी मिल चुकी है, चूँकि एसएससी आवंटन आपके प्राप्त हो चुके हैं, जिला में राशि शो कर रही है। अब सवाल यह है कि कहां से शिक्षक पीछे हटते हैं और कहां डीपीओडीओ साहब आगे बढ़ते हैं। जी हां फ्रेंड्स, इस पर नज़रें रहेगी। और वेतन सैलरी अपडेट 24 आवर ग्रुप से आप मेरे अगर सब्सक्राइबर है तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, जहाँ हजारों प्लस के सदस्य जुड़े हुए हैं। इसका लिंक टेलीग्राम में जस्ट नीचे दिया रहता है, जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के पत्र या किसी प्रकार के नोटिफिकेशन आते हैं तो वहाँ डाल दिया जाता है। तो निश्चित ही उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए नेक्स्ट खबर की ओर रुख करते हैं। बीपीएससी टीआरई 30 या प्रधान या प्रधानाध्यापक, फाइनल ही रिजल्ट का इंतजार है। हमारे शिक्षक बंधु हो या अभ्यर्थी, इन सब का इंतजार है कि फाइनल रिजल्ट दें। जी हाँ फ्रेंड्स, लगातार जो है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग इस पर जो है कमोबेश इस पर लगा हुआ है, और लगातार कभी फाइनल रिजल्ट तो कभी रिवाइज आंसर की और कभी कट ऑफ, तो कभी कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। इसलिए तंग आकर के हमारे जो अभ्यर्थी है या शिक्षक बंधु है, वे लगातार कहते हैं कि फाइनल रिजल्ट ही देखा जाएगा। अब रिवाइज आंसर की या फाइनल आंसर की क्या देखना है, जब आयोग अपना ही करता है, अपना ही मनमानी चलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पिछली बार बीपीएससी टीआरई जो है 30 का और प्राइमरी और मिडिल स्कूल के जो रिजल्ट में फाइनल आंसर की जो जारी हुआ, उसका उन्होंने अपना आंसर की समेत सब कुछ हटा लिया, क्योंकि फाइनल आंसर की में भी त्रुटि आई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब फाइनल आंसर की नहीं या रिवाइज आंसर की नहीं, फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। जी हाँ, 1 से 5 अक्टूबर तक शिक्षा विभाग की सब कुछ लाइन डिक्लियर हो गया है कि 1 से 5 अक्टूबर तक क्या कुछ करना है आपके शिक्षा विभाग को ई शिक्षा कोष ऐप को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताते चले ई शिक्षा कोष ऐप को लेकर के कि ई शिक्षा कोष ऐप पर अभी अर्धवार्षिक मूल्यांकन चल रहा है, उनका अपलोडिंग कार्य, प्रगति पत्र वितरण या यूँ कहें
कि पीटीएम मीटिंग ये सब कुछ कराना है 1 से 5 अक्टूबर के बीच। यानी शिक्षा विभाग अभी भी अड़ा हुआ है कि हम 7 से अगर छुट्टी की बात बनती है दशहरा की तो 7 से ही देंगे। लेकिन आपको बता दें फ्रेंड्स, लगातार हम लोग का हैशटैग अभियान और शिक्षा विभाग को पौनी निगाह है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी भी हमारे पास 2 दिन शेष है, चलेंगे अभियान कि 3 अक्टूबर से आपको 12 अक्टूबर तक की छुट्टी जो है स्वीकृत किया जाए दशहरा के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं। आज है कैबिनेट बैठक और कैबिनेट बैठक से आशा उम्मीद मात्र एक ही है, शिक्षकों का स्थानांतरण और पोस्टिंग को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, स्थानांतरण पोस्टिंग हो जाए, ये हमारे जो सक्षमता पास 10 शिक्षक साथी है लगातार इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कल तो जो है आवंटन की स्थिति को देखते हुए शिक्षक दुविधा में पड़ गए कि जब दिसंबर तक हम लोग का आवंटन हो गया तो क्या शिक्षकों की पोस्टिंग स्थानांतरण नहीं हो पाएगी। सरकार से 2 कदम आगे चलते हैं हमारे शिक्षा और शिक्षक समाज। जी हाँ बिल्कुल, चले क्यों नहीं, क्योंकि आशा उम्मीद तो करते हैं कि जब आवंटन की ज़रूरत क्या थी, जब आपका पोस्टिंग स्थानांतरण करना है तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। पैसा तो पैसा होता है, जिला में रहेंगे लेकिन स्थानांतरण पदस्थापन उससे कोई करेक्शन नहीं है, अनुमानित किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कैबिनेट बैठक है, कैबिनेट बैठक से क्या कुछ निकल कर आएगा हम लेकर के आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी हाँ, और साथ ही साथ बदल गए PF आधार और TDS से जुड़े नियम। जी हाँ फ्रेंड्स, 6 बदलाव किए गए हैं, उसके लिए आप अगर देखना चाहेंगे तो आपको बता दें शॉर्टकट में कि पैन और आधार कार्ड से जुड़े नियम बदल चुके हैं। मोबाइल के लिए सुविधा बढ़ी है, 1 से ज़्यादा PF खाते वाले ध्यान देंगे और सुकन्या सुबंधी योजना से जुड़े नियम हैं और शेयर STT पर बढ़ा है, बाय बैंक पर टैक्स लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो इसमें डिटेल्स पढ़ना होगा तो आप टेलीग्राम से इसको प्राप्त कर लीजिएगा। नाबालिग से शिक्षक ने रचाई शादी, DPO ने मांगी है रिपोर्ट। जी हाँ, बेहद शर्मनाक घटना वाली, मुजफ्फरपुर से कुटनी के हाजन मोहनी गांव से स्थित राजकृत उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय के शिक्षक द्वारा अपने ही स्कूल की 10वीं की छात्र शादी की मामला को मैटर तुरंत पकड़ने लगा है। जी हाँ, ये जाँच का विषय है, होना भी चाहिए क्योंकि आपका एक पोस्ट पवित्रता की ओर है और उस पर एक वर्दी न रहते हुए वर्दी लगा हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मान के चलिए कि पुलिस की ही वर्दी नहीं होती है, आपकी वैसी वर्दी है जो सफ़ेद है, दगदार है, पल भर में सबके लिए जो है शर्मिंदा वाला बात बन जाएगी। जी हाँ, बेंच डेस्क पर करोड़ों खर्च पर जमीन पर बच्चे। जी हाँ, बेंच पर डेस्क पर लाखों खर्च हुए लेकिन मुजफ्फरपुर में बच्चे जमीन पर देखे गए हैं। यानी 70 से अधिक स्कूलों में जमीन पर बैठे रहे बच्चे और बेंच डेस्क के लिए राशि 2.5 करोड़ की गबन कर दी गई है। जी हाँ, इसकी जांच का विषय है और इस पर जांच की प्रक्रिया चलेगी भी। DLED स्कूटनी की रिजल्ट जारी, बिहार बोर्ड ने DLED पुराने पाठ्यक्रम की विशेष परीक्षा यानी 2024 की स्कूटनी रिजल्ट जारी कर दिया। जी हाँ, DLED की लगातार रिजल्ट की बातें कर रहे थे हमारे जो इसमें एग्जाम दिए हुए हैं, तो फ्रेंड्स इस वेबसाइट पर आ चुका है। बिहार बोर्ड ने DLED पुराने पाठ्यक्रम की विशेष परीक्षा 2024 स्कूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया है। जी हाँ, और साथ ही साथ छात्रवृत्ति के लिए 1,101.78 करोड़ की राशि की स्वीकृति मिल चुकी है और फोटो में गड़बड़ी पाए जाने पर रद्द होगा आवेदन। BPSC, जी हाँ, BPSC ने जारी किया। बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं संयुक्त सिविल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश के आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को किस तरह की आवेदन करना है इस बात को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ BPSC 17वीं शिक्षक हमारे BPSC हो, नियोजित हो, नियमित हो, अगर उम्र है तो जरूर भरे और उम्र नहीं है तो आपके 5 चांस और 5 वर्ष की ग्रांटेड मिलता है और एक आप राजकर्मी है, एक बिहार के सेवक है। जरा उस पॉइंट को पढ़िए जो उम्र को छूट देती है, चांसेस को छूट देती है और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ, शिक्षकों की आवंटित हुई राशि को हाईलाइट मुद्दा बनाया गया है कि 51.21 करोड़ की राशि निर्गत कर दी गई है और फ्रेंड्स तमाम प्रकार के जो खबरें रहेगी उसमें ई शिक्षा कोष हाईलाइट मुद्दा बना हुआ है। जी हाँ, ई शिक्षा कोष ऐप आज से ऑनलाइन हाजिरी पर ही वेतन मिलेगा, विलम्ब ना करें, स्कूल समय से पहुँचे और आज से ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य है। ई शिक्षा कोष ऐप पर जो है सेंट्रलाइज तरीके से मुख्यालय को मिलेगा उपस्थिति को ब्यौरा और फ्रेंड्स मिस ना करें और ई शिक्षा कोष ऐप से कोई परेशानी हो तो बेधड़क नहीं धड़क लिख दीजिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में लिखिए या
वीडियो के जस्ट नीचे लिखिए, हम जो है इस मुद्दे को उठाने का काम करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट में आप बने रहिए, इसके लिए थैंक्स। वीडियो हेल्पफुल लगा लाइक शेयर कमेंट करेगा, किसी प्रकार की समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स, आज के दिन आप सभी के लिए शुभ हो।